मुझे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस टीस में जाने के पहले नहीं मिला था पर टीस में जाने के बाद ये सारे एक्सपीरियंस को मैं रोज ही मुझे सहन करना पड़ता था और मुझे लगता था कि यार हमारे जैसी लड़कियां हैं या लड़के हैं वो बहुत मेहनत करके आगे आते हैं हमारा जो काम है वो यहां पे हमें आगे जाने के लिए प्रोत्साहन करने की वजह से लोग वजह लोग हमें हमेशा नीचा दिखाने की या हम हम कैसे कम है वो दिखाने की कोशिश करते हैं तो एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि आठ दस दिन ही हुए होंगे हमारा कॉलेज शुरू होके और हमारे जो एक प्रोफेसर थे वो बहुत फास्ट इंग्लिश में पढ़ाते थे और आ, मुझे आठ दस दिन तक उनका कोई कुछ भी समझ में नहीं आता मैं खाली उनको सुनते रहती थी एक दिन बड़े हिम्मत से मैंने उनको बोला कि मैम आप जो भी मुझे पढ़ाते हो वो आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो पर आपकी जो इंग्लिश में पढ़ाने की स्पीड जो है वो बहुत फास्ट है और आपका जो पढ़ाया हुआ है वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं होता है मैं नहीं अंडरस्टैंड कर पाती हूँ तो क्या आप धीरे पढ़ाना शुरू करोगे या अदरवाइज आप थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में मिक्स करा के पढ़ाओ तो उन्होंने मुझे आ, आंसर दिया था कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप यहाँ पे पढ़ने क्यों आते हो मुझे उनके उनके बात बात का का बहुत बुरा लगा, आ, पर उनके बात का बुरा लगा, पर लगना ये स्वाभाविक था पर मैंने ये सोचा कि अगर हम बुरा ही पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम कभी आगे नहीं जाएंगे उनकी वो बात को मैंने बहुत पॉजिटिव लिया और बहुत अच्छे से पढ़ाई की और उन्हीं की सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन भी मुझे मिला है फर्स्ट सेमेस्टर में तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ आता नहीं है या हम करना नहीं चाहते हैं पर एक है कि जब हम वर्नाकुलर बैकग्राउंड से इंग्लिश में जाते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पर हाँ दोस्तों जब मुश्किलें बड़ी होती है तो हम उसमें हाल ढूंढ के भी काम भी अच्छे से कर लेते हैं दूसरा एक है कि हमारा जो एकेडमिक्स है जो सवर्णों ने बनाया हुआ है उनमें हमारे महापुरुषों ने जो भी हमारे लिए हक के लिए काम किए हैं या जो जो भी भी हमारा उनका और हम हमें आगे जाने का जो भी स्ट्रगल रहा है वो कभी पढ़ाया नहीं जाता है पर आ, जब मैंने आ, सावित्री भाई फुले की ही जन्मदिन था और मैं ऐसे मानती हूँ कि भारत की पहली फेमिनिस्ट पहली समाज सुधारिका और फैली अध्यापिका स्त्री शिक्षिका अगर सावित्री बाई फुले है तो उनका क्यों ना हम उनका बर्थ एनिवर्सरी है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करे और उनके काम के बारे में सारे लोगों को बताए तो मेरे कुछ क्लासमेट थे या मेरे टीचर्स भी थे उनका रिस्पांस बहुत ही इतना पॉजिटिव नहीं था बहुत ही पॉजिटिव वे मुझे नहीं लगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे लोग जो भी आगे आते हैं जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये ध्यान में रखना है कि हम जहाँ भी जाए पर हमारी जो महापुरुष है या हमें जो शिक्षा मिली है उन्हीं की वजह से वो शिक्षा को बरकरार रखने के लिए हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि अंबेडकर भी बोलते हैं कि शिक्षण ये ऐसा हथियार है जो कोई भी अगर उस शिक्षा में जाएगा तो वो अपने अत्याचार और अन्याय के लिए अपने अधिकार के लिए खड़ा होगा उनका बहुत फेमस कोट है कि शिक्षण है वाघी नीचे दूगा, है, ते शिवाय रानर नहीं, नहीं। यानी वो पक्का अपने अधिकारों के लिए खड़ा होगा और मैं यही चाहती हूँ कि हमें इंग्लिश की दिक्कतें आएगी हमें कैंपस में बहुत बार ह्यूमिलेशन सहन करना पड़ेगा हमें बार बार ये भी दिखाया जाएगा कि हम इस कैंपस के लिए या इस शिक्षा के लिए काबिल नहीं हैं पर हमें पता है कि हमारा स्ट्रगल क्या है हमें पता है कि हम किस आ, कौन सी दिक्कतों का सामना करके यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी कहाँ तक पहुँच सकते हैं इसके लिए हमें एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और हाँ दोस्तों हमें बहुत हम बहुत मेहनत भी करते हैं और हमें आगे जाके भी बहुत मेहनत करना है और हम और हमें खुद के लिए और दूसरों के लिए प्रयास करते रहना है नालंदा का जो पे बैक टू सोसाइटी है ये कॉन्सेप्ट है ये तभी हम आगे लेके जा सकते हैं कि जब हमारे जैसी लड़कियां जो भी पढ़ाई के लिए उनको दिक्कतें आ रही है या उनको पता नहीं है उनको हम कैसे हेल्प करें और उनको हम कैसे आगे लेके जाए थैंक यू नालंदा टीम और थैंक यू सर आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसीलिए आज मैं पीएचडी जैसा एजुकेशन ले पा रही हूँ और मेरा आगे का भी प्लान है कि मैं जो पीएचडी है वो मैं इंडिया से नहीं बाहर से करूँ और इसके लिए भी आपका सपोर्ट चाहती हूँ थैंक यू सो मच थैंक यू प्रिया जी आपने हमारे साथ अपने स्ट्रगल के बारे में सावित्री बाई को ट्रवीट भी दिया है और एजुकेशन का इम्पोर्टेंस भी बताएं हम सबको थैंक यू धन्यवाद जय भीम